आइए आज एंटानिम का जो है पार्ट थ्री देखते हैं। दो पार्ट इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं दो दिन, और वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तीसरा देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे ई से शुरू होने वाले शब्द, जो कि एंटानिम से बीए का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम हो, सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें एंटानिम्स आएगा। तो इकोनॉमिकल माने क्या होता है? मित व्ययी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? मित व्ययी, जो बहुत इकोनॉमी के हिसाब से रहे, मतलब इकोनॉमिकल है वो, मतलब कम खर्च करे, जरूरत के हिसाब से खर्च करेगा, फालतू खर्च नहीं करेगा, तो इकोनॉमिकल। और एक्स्ट्रावेगेंट माने क्या होता है? फिजूल खर्ची, जो एक्स्ट्रा खर्च करे उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इनकरेज माने क्या होता है? इनकरेज माने प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना। क्लियर? जैसे इनकरेज, कोई लड़का बहुत अच्छा गाना गाया, उसको पुरस्कार दे दो, तो क्या करोगे? इनकरेज करोगे, या और अच्छा गाना गाओ। डिस्करेज माने हतोत्साहित करना, बहुत अच्छा गाया लेकिन सबको पुरस्कार दिया गया, उसको नहीं दिया गया, तो डिस्करेज हो जाएगा बेचारा। क्लियर? एंट्रेंस माने क्या होता है? प्रवेश, जैसे एंट्रेंस मार्ग होता है, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट। तो एग्जिट माने क्या होता है? निकासी, मतलब या निकासी द्वार, ठीक है ना, जैसे एग्जिट मतलब निकलना, बाहर निकलना, एग्जिट मतलब। क्लियर? मोबाइल में कोई फंक्शन खोलते हैं तो आप एग्जिट कर देते हो तो बाहर निकल जाते हो कंप्यूटर में, ठीक, एग्जिट मार्ग लिखा रहता है। अब देखिए अर्न माने क्या होता है? कमाना। स्पेंड माने खर्च करना। एलिजिबल माने योग्य, योग्य का मतलब जैसे किसी पद पर चुने जाने के लिए आप एलिजिबल रहते हो, योग्य रहते हो। क्लियर? जैसे फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा रहता है एलिजिबिलिटी। क्लियर? योग्यता, पद पर चुने जाने की योग्यता, तो एलिजिबल से एलिजिबिलिटी बना। इन एलिजिबल माने ना चुने जाने के योग्य, जैसे आप 18 साल के नहीं हो तो आप इन एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। क्लियर? इंजॉयमेंट माने आनंद, सफरिंग माने कष्ट। इंथुजियाज माने क्या होता है? उत्साह। इनडिफरेंस माने उदासीनता, तो उदासीनता मतलब किसी काम के प्रति आपका मन ही नहीं रहेगा करने के लिए, तो इनडिफरेंस हो, उदासीनता है आपके अंदर। क्लियर? और पूरे जोश में हो, चलो हम पूरा पढ़ डालेंगे, याद कर डालेंगे, तो इंथुजियाज में आपके अंदर। ईज माने क्या होता है? आसान, एकदम आसान, आसानी में होना, आराम होता है, आराम भी होता है। क्लियर? आसान या आराम, एकदम आपको सब कुछ आसान लग रहा है, एकदम आराम से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब तो इस माने आरामदायक स्थिति, आराम। तो ट्रबल माने कष्ट, यानी आपको आराम नहीं है तो क्या है? ट्रबल है, कष्ट है। एक अगला जो है देखते हैं क्रम। अर्ली माने जल्दी, लेट माने देर। अब देखिए अर्ली उठ रहे हो तो जल्दी उठ रहे हो, तड़के उठ रहे हो, लेट उठ रहे हो तो देर से उठ रहे हो, ठीक। एक्सप्रेस्ड माने क्या होता है? अभिव्यक्त। एक्सप्रेस माने क्या होता है? अभिव्यक्त। एक्सप्रेस माने व्यक्त करना होता ना, तो एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त। अंडरस्टूड माने होता है समझा गया। क्लियर? तो जैसे मतलब एक्सप्रेस आप कर दियो, कोई चीज़ एक्सप्रेस कर दियो तो अभिव्यक्त कर दियो। अब अंडरस्टूड की मतलब क्या? आप समझे तो हो लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं किए हो, मतलब बताया नहीं किसी, अपने आप ही केवल समझे हो, ठीक, तो अंडरस्टूड है वो। अभिव्यक्त या मतलब अंदर ही छिपा हुआ है, बताया नहीं गया। इंडलेस माने क्या होता है? इंडलेस माने होता है अनंत, अनंत या शाश्वत, जो लगातार रहे, ठीक ना। और फाइनाइट माने क्या होता है? वैसे फाइनाइट माने होता है सीमित होता है, मतलब कि अनंत ना हो। इनफाइनाइट माने क्या होता है? अनंत ना, तो इन हटा दो तो फाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत नहीं है वो, शुरुआत है। क्लियर? सीमित है। क्लियर? इंडलेस माने अनंत होता है, तो फाइनाइट माने, ठीक है, अंत हो, मतलब अनंत पर जो ना हो, यानी सीमित हो। क्लियर? मतलब उसकी एक सीमा है। इनडिफिनिट माने क्या होता है? अनंत होता है, मतलब कोई सीमा ना हो कि कहाँ अंत होगा, लेकिन फाइनाइट मतलब क्या, वो सीमित है, अंत तक नहीं पहुँचा है। क्लियर? अनंत तक नहीं पहुँचा है, तो फाइनाइट माने सीमित, तो इंडलेस का अपोजिट हो जाएगा। इंजॉय माने आनंद लेना। सफर माने कष्ट सहना या कष्ट झेलना। एक्सपेडाइट माने अति शीघ्र, और डिले माने देर करना। एम्प्टी मीन्स खाली, फुल माने पूरा, पूरा पूरा मतलब भरा हुआ। एक्सटेंड माने क्या होता है? बढ़ाना होता है। एक्सटेंड माने बहुत बढ़ा देना। लिमिट माने सीमा, मतलब सीमा में रहना, मतलब ज़्यादा बढ़ के ना होना, सीमा में रहना। और ठीक है, तो लिमिट मतलब आप सीमा में हैं, एक्सटेंड माने बढ़कर हुए हैं, आपने हद को पार कर दी हो, ठीक।
एक्सटीरियर माने क्या होता है, बाहरी। एक्स माने क्या होता है, एक्स से एग्जिट बना है, बाहरी होता है। और इंटीरियर माने आंतरिक, अंदर का, ठीक है ना। पीएफ से देखते हैं आप सीरीज। फैसिलिटी, फैसिलिटी माने क्या होता है, सुगमता या सुविधा भी होती है। इसमें हमको फैसिलिटी नहीं मिले, सुविधा नहीं मिले, सुगमता भी होता है इसी माने, क्लियर। सुगमता मतलब से आसानी, क्लियर। अगर कोई चीज़ आपके लिए सुविधाजनक है तो आप आसानी से कर लोगे ना वही, तो सुविधा या असुगमता होता है, सुगमता या आसानी। तो डिफिकल्टी माने क्या होता है, कठिनाई। अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही तो आप कठिनाई महसूस करोगे, सुगमता नहीं आपके लिए यानी कठिनाई है। फैक्ट माने तथ्य होता है, ठीक है। तथ्य, तथ्य किसे कहते हैं, कोई सही बात, उसको फैक्ट कहते हैं, क्लियर, तथ्य। और फिक्शन माने काल्पनिक, तो जो चीज़ काल्पनिक रहेगा या फिक्शन माने उपन्यास भी होता है, तो उपन्यास तो कल्पना करके लिखा रहता है, काल्पनिक कहानी रहती है, ठीक ना। इसमें से काल्पनिक रहेगी जो तथ्य नहीं रहेगा, वो कोई सत्य बात नहीं रहेगा, काल्पनिक रहेगा। तो फेड माने क्या होता है, धूमिल होना या गायब होना। फेड माने क्या होता है, धूमिल होना या गायब होना, छीड़ होना, फीका पड़ना। अब ब्लूम माने क्या होता है, खिल जाना, क्लियर। जैसे फेड की मतलब से कोई कलर जो है गायब हो गया, ठीक है, धूमिल हो गया, ठीक, फेड मुरझा गया, क्लियर। जैसे फूल है एकदम मुरझाया हुआ है, फेड माने मुरझाया भी होता है। अब ब्लूम माने क्या है, खुला हुआ है, मतलब मुरझाया नहीं तो एकदम क्या है, खिला हुआ है। फेलर माने असफलता, सक्सेस माने सफलता। फेथफुल माने विश्वासपूर्ण या वफादार, फेथफुल माने वफादार। अनफेथफुल माने, अनफेथफुल माने होता है वफादार ना होना, क्लियर, बेवफा, क्लियर। या अविश्वासघाती, फेथफुल माने विश्वासघाती भी होता है, अनफेथफुल अविश्वासघाती, जो वफादार नहीं रहेगा तो अविश्वासघाती रहेगा, अनफेथफुल रहेगा, बेवफा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हो अगला क्या है, फेथफुलनेस माने क्या होता है, वफादारी। फेथफुलनेस माने वफादारी। और ट्रिकरी माने क्या होता है, विश्वासघात, ठीक है, जो आपके साथ वफादारी में ना रहेगा विश्वासघात करेगा। फाल्स माने गलत, ट्रू माने सत्य। फाल्सहुड माने गलती, ट्रूथफुलनेस माने सत्यता या सच्चाई। फाल्सहुड माने गलती, ट्रूथफुलनेस माने सच्चाई। फेम मीन्स क्या होता है, रेपुटेशन, ठीक है, फेम मीन्स रेपुटेशन होगा। और आपका हो जाएगा ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी माने क्या होता है, ख्याति ना होना। वैसे ऑब्सक्योरिटी माने अस्पष्टता भी होता है, क्लियर, अस्पष्टता मतलब आपके बारे में कोई जानते नहीं, एकदम सब अस्पष्ट हैं, मतलब आपकी कोई ख्याति नहीं है, अस्पष्टता या ख्याति होना। फेमस माने क्या होता है, प्रसिद्ध, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध, जिसकी बहुत फेम है वो है फेमस, ठीक है ना। और नोटोरियस माने क्या होता है, कुख्यात। कुख्यात का मतलब जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है उसको नोटोरियस कहते हैं, और फेमस मतलब जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, क्लियर। सचिन तेंदुलकर फेमस है, क्लियर, और ठीक है अमिताभ बच्चन फेमस, ठीक है। अब नोटोरियस मतलब जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी था, वो नोट लेकर जो है भारत का क्या किया, PNB से घोटाला किया, तो नोटोरियस उसको घोषित कर दिया, नोट, क्लियर, तो नोट लेके भाग गया तो नोटोरियस हो गया, ठीक है। तो कुख्यात हैं, बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, फॉर एग्जाम्पल राम रहीम एंड आसाराम बापू इज आल्सो नोटोरियस पर्सन, ठीक ना। वो लोग भी बुरे कार्यों के लिए क्या है, फेमस हैं आज की डेट में, बुरे कार्यों के लिए नोटोरियस हैं, मतलब कह दिया गया उनको, पहले तो फेमस लोग समझते थे, अब नोटोरियस। अब फैट माने मोटा, लीन माने पतला, एकदम पतला, दुबला पतला, उसको लीन कहते हैं। फियर माने भय, करेज माने साहस, फियर्स माने भयानक, और जेंटल माने सज्जन। फियर्स मतलब जो बहुत भयानक आकृति दिखाई पड़े, मतलब दूसरे से भयानक ढंग से बात करें, और जेंटल मतलब सज्जन हो, एकदम सज्जन मतलब बहुत अच्छा हो देखने में, भयानक ढंग से बात ना करें, बहुत प्रेम से बात। फियरी माने क्या होता है, फियरी माने होता है अग्निमय, ठीक है। फियरी माने क्या होता है, अग्निमय, मतलब अग्निमय जैसे कहीं से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, अग्निमय एकदम पूरा दिखाई पड़ रहा है। स्नोवी माने क्या होता है, बर्फीला, बर्फीला या हिमाच्छादित, क्लियर। तो बर्फीला जैसे मतलब कहीं से बर्फ निकल रही है तो ठंडा रहेगी ना, अग्नि का उल्टा हो जाएगा, अग्निमय नहीं रहेगा वो, एकदम बर्फीला दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। फाइनल माने क्या होता है, अंतिम, और इनिशियल माने प्रारंभिक। अब फाइन माने अच्छा, कोर्स माने भद्दा,
ठीक, फाइन मतलब अच्छा, कोर्स माने भद्दा, जो देखने में कोर्स हो भद्दा हो। एक फाइन माने जुर्माना लगाना भी होता है, क्लियर, स्पेलिंग यही रहेगी। तो उस हिसाब से अगर जुर्माना के हिसाब से फाइन माने क्या होगा, सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होगा, रिवार्ड, पुरस्कार देना, क्लियर, इसलिए दोनों अर्थ यहाँ पॉसिबल हैं। चलिए आगे देखते हैं अब अगली सीरीज। फर्म माने क्या होता है, दृढ़, फर्म माने क्या होता है, दृढ़ होता है। इनफर्म माने क्या होता है, कमजोर, ठीक है, इनफर्म उल्टा हो गया फर्म का, कमजोर। फ्लेक्सिबल माने लचीला, रिजिड माने कठोर, ठीक ना, फ्लेक्सिबल माने लचीला, कोई टूट, कोई कोई ब्रश रहता है तो फ्लेक्सिबल होता है, कोई कोई कठोर होता है, क्लियर, रिजिड होता है। अब देखिए फोल्ड माने क्या होता है, मोड़ना, अनफोल्ड माने खोलना, क्लियर, वो चीज़ मोड़ नहीं रहे खोल रहे। फुलिस माने मूर्ख, वाइज माने बुद्धिमान, फॉरेन माने विदेशी होता है, नेटिव माने स्वदेशी, नेटिव माने स्वदेशी, अपने देश का जो, क्लियर, जो अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया सब नेटिव मिसाइल हैं, ठीक है, अग्नि वगैरह मिसाइल जो है उनके मिसाइलें हैं, नेटिव हैं। फॉर्चुनेट माने भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट माने दुर्भाग्यशाली। फॉर्चून माने भाग्य, मिस फॉर्चून माने दुर्भाग्य, मिस लगा दिए अपोजिट हो गया। फ्रैंक माने स्पष्ट, रिजर्व्ड माने गंभीर, जैसे फ्रैंक मतलब क्या, एकदम स्पष्ट हो, मतलब जो भी मतलब बात करेगा एकदम स्पष्ट करेगा, अपने अंदर कोई सीक्रेट नहीं छिपाएगा, क्लियर। रिजर्व माने क्या, गंभीर होगा, गंभीर का मतलब जैसे वो थोड़ा कुछ भी किसी से कहने से पहले सोचेगा, क्लियर, छिपाएगा अपने अंदर बात को, कम बोलेगा। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, स्लेवरी माने गुलामी। फ्रेश माने ताज़ा, स्टेल मीन्स बासी। फ्रेंड माने दोस्त, एनमी माने दुश्मन। फ्रेंडली माने मित्रवत, होस्टाइल माने शत्रुवत, ठीक है, फ्रेंडली माने मित्रवत होता है, होस्टाइल में शत्रुवत यानी दुश्मनी के हिसाब से। फ्रंट माने क्या होता है, सामने, मोबाइल में फ्रंट कैमरा होता है, सामने होता है, ठीक है ना, बैक, बैक भी होता है, पीछे भी होता है, क्लियर। अगला शब्द है फ्राउन, फ्राउन माने क्या होता है, मतलब त्योरी चढ़ाना, नाराजगी प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, क्लियर, फ्राउन मतलब नाराजगी प्रकट करना। तो अगर किसी के ऊपर नाराजगी प्रकट कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, स्माइल, यानी नाराजगी आप प्रकट नहीं कर रहे हो, उसको देखकर आप मुस्करा रहे हो, यानी गुस्सा में नहीं हो। तो फुल माने पूरा, एम्प्टी माने खाली। तो ये एफ से था, अब आइए जी से देखते हैं। जी से पहला शब्द है गेन, गेन माने क्या होता है, लाभ। लास माने क्या होगा, हानि। फिर जी का अगला शब्द है ग्रैंड, ग्रैंड माने क्या होता है, शानदार। ऑर्डिनरी माने साधारण, जो बहुत शानदार ना लगे साधारण लगे। जी से अगला शब्द है हमारा जनरल, जनरल माने क्या होता है, सामान्य। और पार्टिकुलर माने विशेष, विशेष या खास, कोई सामान्य चीज़ ना हो, एकदम खास चीज़ हो, विशेष हो। जेंटल माने सज्जन या सभ्य, जेंटल मतलब सभ्य। रूड माने असभ्य, जो कच्चा नाम पढ़े थे गोल्डन बॉल, रूड सेलर था एक, और ग्रीडी और जेंटल सेलर था, शेरीवान जेंटल था और ग्रीडी सेलर रूड था। जेनुइन माने क्या होता है, असली। स्पूरियस मीन्स नकली, कोई चीज़ सामान खरीदने गया नकली दे दिया, क्लियर, तो स्पूरियस दे दिया, जेनुइन दिया तो असली दिया। जायंट माने क्या होता है, विशाल, देखने में बहुत बड़ा, दैत्याकार। ड्वार्फ माने क्या होगा, बावना। ग्लोरियस माने शानदार, ग्लोरियस फाउंटेन पड़े थे, शानदार फवारे। डिसग्रेसफुल माने क्या होता है, अपमानजनक। तो ग्लोरियस माने शानदार, शानदार मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा शान हो और देखने में अच्छा हो, और डिसग्रेसफुल माने क्या होता है, अपमानजनक, मतलब जिसका कोई शान ना हो, क्लियर। गुड माने अच्छा, तो इसके दो एंटोनिम्स बताए गए हैं, एक बैड माने बुरा होता है, एविल माने भी बुरा होता है। तो चलिए अगला जी से देखते हैं सीरीज। ग्रांट माने क्या होता है, देना, स्वीकार करना, ग्रांट माने स्वीकार करना, स्वीकार करना भी होता है, देना भी होता है, यहाँ स्वीकार करना होगा, अनुमति देना। रिजेक्ट माने क्या होता है, इनकार कर देना, क्लियर। जैसे आप कोई एप्लीकेशन दिए तो ग्रांट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और रिजेक्ट कर लिया गया तो उल्टा हो गया, इनकार करना, अस्वीकृति करना। अब ग्रेटफुल माने क्या होता है, एहसानमंद, एहसानमंद या कृतज्ञ। अनग्रेटफुल माने एहसान ना मानना, यानी अकृतज्ञ, कृतज्ञ का उल्टा अकृतज्ञ। ग्रेव माने गंभीर, चीयरफुल माने प्रसन्न,
ग्रेव मतलब बहुत सीरियस हो आप, गंभीर हो मतलब, ठीक है, लेकिन चीयरफुल मतलब एकदम प्रसन्न हो, मतलब गंभीरता आपके अंदर नहीं, हमेशा बहुत प्रसन्न आपको दिख रहे हो, क्लियर। जो गंभीर रहेगा वो कम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हंसेगा, ठीक है, प्रसन्नता उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ा गंभीर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो ग्रेव रहेगा, और ग्रेव का एक अर्थ कब्र भी होता है, क्लियर। तो चीयरफुल उसका उल्टा, गेस्ट माने मेहमान होता है, और होस्ट माने क्या होता है, मेजबान, मेजबान मतलब अतिथि सत्कारक, क्लियर। आपके यहाँ जैसे रिलेशन आ गए, आपके रिश्तेदार आ गए, आप उनके लिए हेस्ट हो और वो आपके लिए गेस्ट हैं, क्लियर, जो मेहमानों का खातिरदारी करें वो होस्ट है। हाई गाइड माने क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, और मिस गाइड मतलब जो मार्गदर्शन ना करें, क्लियर। गाइड का मिस गाइड हो जाएगा इस तरह से। और गिल्टी माने क्या होता है, अपराधी, तो अपराधी का अपोजिट क्या हो जाए, इनोसेंट, इनोसेंट माने होता है निर्दोष। इससे चलिए देखते हैं, यस से शुरू होने वाला हमारा पहला शब्द है आनेस्ट, आनेस्ट माने होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने क्या होता है, बेईमान, आनर माने सम्मान, डिसऑनर माने अपमान, होप माने आशा, डिस्पेयर मीन्स निराशा, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता होता है, अनहैप्पीनेस माने अप्रसन्नता, हाई माने ऊंचा, लो मीन्स नीचा, हार्श मीन्स कठोर, जो कठोर बोले, और जेंटल माने सज्जन, जो मतलब सज्जनता से बोले, अच्छा बोले, यानी कि क्लियर। हार्श मतलब कठोर, कठोर या कटु, जेंटल मतलब सभ्य, जो बोले कटु वचन ना बोले, क्लियर, सभ्य मतलब अच्छे वचन बोले। होपफुल माने आशावान होता है, और होपलेस माने होता है निराश, जिसको लाइफ में कोई आशा ना दिखाई पड़े। हम्बल माने होता है विनम्र, और प्राउड माने क्या होता है, घमंडी, जो विनम्र नहीं रहे क्या रहेगा, घमंडी रहेगा, क्लियर। उसके बाद अगला शब्द है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी माने होता है विनम्रता। इंसोलेंस माने क्या होता है, ढिठाई, जैसे जो विनम्रता से ना बात करें, बहुत ढिठाई से तेज आपके साथ, क्लियर, ढीठ या ढिठाई, और अक्खड़पन। हैवन माने स्वर्ग होता है, हेलमिस नरक होता है, हैंडसम माने सुंदर, अगली माने कुरूप, हैप्पी माने प्रसन्न, अनहैप्पी माने अप्रसन्न, हार्ड माने कठोर, इजी माने सरल, हार्ड मीन्स कठिन भी होता है, कठिन ना हो तो इजी हो, सरल हो। हेस्ट माने होता है, हेस्ट माने होता है जल्दी, और डीले माने क्या होगा, देर। हेड माने होता है सिर, और फुट माने पांव। तो चलिए अब यश से हो गया, अब आगे हम देखते हैं आई से, ठीक। आई से हमारा पहला शब्द है इम्पोर्ट, क्या है, इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट माने क्या होता है, आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात, एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, जो बाहर जाए वो निर्यात है, आई मतलब इन अंदर आए, जो अपने यहाँ आए, इंडिया में आए तो आयात है, इंडिया से बाहर जाए तो एक्सपोर्ट है, निर्यात, तो आयात का निर्यात हो जाएगा, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट। इंक्लूड माने शामिल करना, एक्सक्लूड माने बाहर करना, इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्रीज मीन्स घटाना, इनिशियल माने प्रारंभिक, फाइनल मीन्स अंतिम, अभी पीछे भी आया था, फाइनल का इनिशियल करना था। अब आगे देखिए, अगला है इनोसेंट माने निर्दोष, तो गिल्टी माने अपराधी, ये भी देखिए गिल्टी का इनोसेंट करने के आया था, इंटीरियर का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का इंटीरियर करने के लिए आया था, इंटीरियर माने अंदर का, एक्सटीरियर माने बाहर, बाहरी। अगला है जैसे शब्द है हमारा ज्वाय, ज्वाय मीन्स होता है सारो, और जूनियर माने कनिष्ठ होता है, सीनियर मीन्स क्या होता है, वरिष्ठ, जो हमारे पद या पोजीशन में बड़ा हो सीनियर है, और जूनियर मतलब कनिष्ठ, जो छोटा हो। कैसे देख लेते हैं, पहला शब्द है कीन, कीन माने क्या होता है, इच्छुक, किसी काम को करने के लिए बहुत इच्छुक हो, कीन हो। इनडिफरेंट माने, इनडिफरेंट माने क्या होता है, उदासीन, मतलब कुछ भी इच्छा ना हो, एकदम बैठे हो, मन नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, ठीक है, इनडिफरेंट माने उदासीन। और केक से दूसरा शब्द है किल, किल माने मारना, किल माने क्या होता है, मारना, और सेव माने क्या होगा, बचाना। काइंड मीन्स दयाल होता है, क्रूएल माने निर्दयी होता है। नॉलेज माने तो ज्ञान होता है, और इग्नोरेंस माने क्या होता है, अज्ञानता। नॉलेज मतलब ज्ञान होगा, और इग्नोरेंस माने क्या होता है, अज्ञानता, जिसके अंदर कोई ज्ञान ना हो। चलिए यल से देखते हैं, यल से हमारा पहला शब्द है लेबोरियस, लेबोरियस माने परिश्रमी होता है, लेजी माने आलसी होता है, लैक माने कमी या अभाव, एबंडेंस माने होता है प्रचुरता, यानी किसी चीज़ की कमी ना होना।
लीगल माने कानूनी होता है, इलीगल माने गैर कानूनी। आई एल लगा दोगे तो अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से लिजिबल में आई एल लगा दोगे तो इलिजिबल हो जाएगा। लिजिबल माने होता है पठनीय और इलिजिबल माने अपठनीय। लेजिटिमेट माने वैध होता है, इलेजिटिमेट माने अवैध। तो लीगल का सिनोनिम्स है लेजिटिमेट, इलिजिबल का सिनोनिम्स है लेजिटिमेट। क्लियर? लीगल और लेजिटिमेट दोनों का मतलब कानून, सॉरी हाँ ऊपर जो लीगल आया था, तो लीगल और लेजिटिमेट दोनों का मतलब वैध या कानून। लीनियंट माने क्या होता है? उदार। और स्ट्रिक्ट माने कठोर। कोई आदमी उदार ना, लीनियंट माने उदार या नरम दिल का, क्लियर? और स्ट्रिक्ट माने एकदम कठोर, ठीक, कोई उदारता नहीं दिखाएगा। लाई मीन्स झूठ होता है, ट्रुथ माने सत्य होता है, लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक माने नापसंद करना। लिमिटेड माने होता है सीमित, अनलिमिटेड माने असीमित। लिटरेट माने पढ़ा लिखा, इलिटरेट माने अनपढ़। आपको एक पॉइंट हम ट्रिक बता रहे हैं, अब देखिए आई एल से जो शब्द शुरू होते हैं, आई एल से जो शब्द शुरू होते हैं उसमें 99% जो शब्द हैं उसमें आई एल जोड़ के अपोजिट बनाया जाता है। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा शब्द 99%, 1% में दूसरा भी बन सकता है क्योंकि अपवाद सभी रूल के हैं, ठीक ना? तो आप यहाँ देख लीजिए, जैसे लीगल है तो ठीक है, यल से जो शुरू है उसमें आई एल जोड़ा जाएगा। क्लियर? लीगल और लिजिबल, लेजिटिमेट, क्लियर, और यहाँ लिटरेट, ठीक, इन सभी में आई एल जोड़ के बनाया गया है। सब में नहीं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें नहीं भी बनता है, तो ये एक पॉइंट है। अगर नहीं आ रहा तो आप इस तरह से ऑप्शन तक पहुँच सकते हो अंदाज के। क्लियर? जिसमें है आप उसको कम से कम याद करो। 99% क्या, 90% में तो जरूर ही रहता है ऐसे। लिटिल माने क्या होता है? छोटा होता है या थोड़ा होता है। लिटिल माने थोड़ा भी होता है। मच माने अधिक या बहुत। लाख माने लाख मतलब होता है लाख करना, ताला लगाना। अनलाक माने खोलना। मोबाइल पैटर्न क्या होता है? लाख हो जाता है तो अनलाक करते हो, खोलते हो। क्लियर? लूज माने ढीला होता है, टाइट मीन्स कसा हुआ। लवली माने क्या होता है? सुंदर। हेडियस माने क्या होता है? हेडियस माने होता है भयानक, जो देखने में बहुत भयानक लगे, घिनौना लगे। हेडियस माने भयानक या घिनौना, मतलब अच्छा ना लगे, सुंदर ना लगे, ठीक। तो ये था मतलब यल से शुरू होने वाले। अब आज की वीडियो में इतना ही, अब आगे आपको हम जो बच्चे हैं उसको कल की वीडियो में बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और घंटी दबा लें अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, ताकि समय से ऐसे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। पूरा वर्ल्ड पावर इंटरव्यूज के बाद इस पर और भी कराया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।